सब्सक्राइब कीजिए बंसल ट्यूबर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी बंसल ट्यूबर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इनोवा क्रिस्टा का इन्फोटेनमेंट सिस्टम। लास्ट में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करूँगा जो कि जनरल बायर को पता नहीं होता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन, 4 स्पीकर्स मिलते हैं डोर्स पे और 2 ट्विटर्स मिलते हैं और ये 2 ट्विटर्स मिलते हैं। ओवरऑल व्यू ऑफ अगर हम बात करें तो इसमें ऑडियो में आपको मिलते हैं, एक तो USB 1 मिलती है और ब्लूटूथ ऑडियो मिल जाती है, FM मिल जाती है, AV मिल जाती है, AUX मिल जाती है, AM मिल जाती है, डिस्क मिल जाती है और USB 2 मिलती है। USB 2 मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, ये काफ़ी जनरल बायर्स का क्वेश्चन है कि ये कैसे ऑपरेट होता है। ये आपको मिल जाता है ट्यून ट्रैक का बटन, ऑडियो नेक्स्ट ट्रैक और प्रीवियस ट्रैक का, ये हो गया पॉज प्ले का बटन, ये हो गया कॉल्स का बटन, ये हो गया पावर का अगर आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑफ करना है ऑन करना है। ये मैंने अभी ऑन कर दिया, ये ऑफ हो गया। ये हो गया वॉल्यूम अप डाउन का बटन, ये हो गया मेन्यू। मेन्यू में आपको मिलते हैं नेविगेशन, ऑडियो, टेलीफोन, इको, सेटअप, USB 1, फोटो। बात करें नेविगेशन तो इसमें इनबिल्ट नेविगेशन है जो कि इस चिप से काम करता है, मैप कार्ड। अब बैक लेते हैं मेन्यू में फिर से, तो आपको मिलती है ऑडियो जो कि ये वाला ऑडियो और ये जो मेन्यू में ऑडियो का बटन है ये दोनों सेम फंक्शन करते हैं। फिर आता है टेलीफोन का फंक्शन, इसमें टेलीफोन का ये और ये सेम फंक्शन है। फिर इको, ये अच्छा फीचर है एक इसमें, इसमें आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड दिखा देता है, यहाँ पे आप क्लियर भी कर सकते हैं डेटा। फिर मेन्यू में आता है आपका सेटअप, इसमें आपकी टेप की ओवरऑल जनरल सेटिंग्स आ जाती है। ये होम स्क्रीन वाला बटन और ये वाला बटन, ये दोनों भी सेम फंक्शन करते हैं। इसमें आपको USB 1 फोटो, इसमें आप स्लाइड शो भी चला सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, अगर डिस्प्ले दिया गया तो उसको यूज़ करें, स्लाइड शो चलाने के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा। अब जैसे मैंने बिग स्क्रीन कर दी, अब जैसे पीछे भजन चलते रहेंगे और डिस्प्ले में स्लाइड शो आप चलाओ तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। अब बात करें मेन्यू में अगले की, तो इसमें USB 2 फोटो, आप USB 2 फोटोज को एक्सेस, इसमें जो फोटोज हो गया आप उससे भी स्लाइड शो प्ले कर सकते हैं, आप इनका रीऑर्डर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सेलेक्ट अ मेन्यू एंड यूज द एरो टू मूव दैट मेन्यू, फॉर एग्जांपल आपको USB 1 फोटो को इस तरफ शिफ्ट करना है तो आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। लास्ट बटन है होम बटन, इसमें आपको काफ़ी सेटिंग्स मिलती है। अभी मैंने इसको 3 पैनल में कर रखा है, ये हो गया ऑडियो का पैनल, ये हो गया इको पैनल और ये हो गया नेविगेशन पैनल। अगर आपको इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है तो आपको होम स्क्रीन में जाके, अब यहाँ पे आपको 3 पैनल्स दिख रहे हैं तो आप इसको 2 पैनल भी यूज़ कर सकते हैं इको एंड ऑडियो और 3 पैनल भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई विल शो यू द डेमो ऑफ द साउंड क्वालिटी। मैंने इसमें एम्पलीफायर और 2 एडिशनल स्पीकर्स भी लगवा रखे हैं। बात करें अगर इसके साउंड क्वालिटी की तो ये काफी लो है एज कम्पेयर टू दी सेगमेंट, लाइक व्हाट टाटा हेक्सा ऑफर्स इज रियली ग्रेट। इवन इसके जो लास्ट रो वाली सीट्स हैं उस पर तो आवाज भी नहीं आती। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें एम्पलीफायर इंस्टॉल करवाएं और पीछे 2 एडिशनल स्पीकर्स भी लगवाएं, इट विल ग्रेटली हेल्प यू। These are the 2 additional speakers of Blaupunkt company which is installed for increasing the volume levels at 3rd row of seat. और ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। And this amplifier is also of Blaupunkt company. The combination of this is greatly working in Innova as shown by the demo. इस इन्फोटेनमेंट सिस्टम का मेजर ड्रॉबैक है लैक ऑफ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले विच इज इवन ऑफर बाय न्यूली लॉन्च्ड हुंडई सेंट्रो। ये क्या भैया, छ
6 लाख रुपए गाड़ी का फीचर 25 लाख रुपए गाड़ी में नहीं दिया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, लास्ट में ऐसा क्वेश्चन का आंसर करूंगा जो कि मोस्ट ऑफ द बायर्स ने पूछा है, जो कि मेरा हिडन फीचर वाला वीडियो था, उसमें काफी लोगों ने पूछा था कि इस इन्फोटेनमेंट सिस्टम का यूएसबी सेकेंड पोर्ट कहाँ है। अब टोयोटा ने गाड़ी में तो सिर्फ एक ही यूएसबी पोर्ट दिया है, दूसरा यूएसबी पोर्ट हमें क्रिएट करना है यूएसबी हब का यूज में लेके। ये आपको 150 रुपए तक का मिल जाएगा, ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आपको मेक श्योर करना है कि आप जो दो यूएसबी लगाएंगे वो हब का जो पहले के दो पोर्ट्स हैं उनमें ही लगाए, तभी ये शो करेगा। जैसा कि इसका फर्स्ट पोर्ट ये है और सेकेंड पोर्ट ये है। अब आप देखना, इसमें दो यूएसबी शो कर रहा है, USB 1 और USB 2, और दोनों ही एक्सेसिबल है। ये हो गई पहली यूएसबी। और ये हो गई दूसरी यूएसबी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।